लोग जा रहे हैं एक पॉटरी क्लास के लिए. हम लोग वहाँ पे पॉटरी करेंगे. आज एक बहुत ही फन डे है क्योंकि मैं, पायल एंड मेरी फ्रेंड साक्षी हम लोग जा रहे हैं एक पॉटरी क्लास के लिए. हम लोग वहाँ पे पॉटरी करेंगे एंड मैं इतनी एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये कपल से करना चाहती थी एंड साक्षी मैं रिसेंटली मिले तो पता चला कि वो भी ये कब से करना चाहती है. तो वी डिसाइडेड एंड वी आस्क पायल ऑल्सो इफ शी वॉन्ट्स टू ज्वाइन अस. तो अभी हम बस निकल रहे हैं एंड लेट्स गो. सो वी हैव रीच्ड एट साक्षीज प्लेस एंड हम वेट कर रहे हैं उसके आने का. और पायल पायल कार में ही रेडी हो रही है बिकॉज सारा मेकअप कार में ही किया है. थोड़ा सा ही मतलब फुल फेस मेकअप कार में. कंसीलर, नो फाउंडेशन एंड मेरे पास अभी तक तो आईब्रो प्रोडक्ट भी नहीं है. जो कि साक्षी से मंगाया है कि आईब्रोज के लिए कुछ लेके आए क्योंकि पायल हमेशा रेडी होने में लेट करती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट इज द ट्रूथ. नो नो नो. मेकअप प्रोडक्ट्स देख लीजिए. ब्रशेस हैं, ब्रॉन्जर, लिपस्टिक. दिस इज न्यू लिपस्टिक पायल लगाना. हम देखते हैं. लेकिन तेरे तो लिप्स पे ऑलरेडी कुछ लगा हुआ है. तो क्या हो गया? ओके, यू आर मिक्सिंग शेड्स. दैट्स माय जैम. शो. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है. पैट मैकग्रैथ. मैं इसका लिंक डाल दूंगी. सो साक्षी आ गई. तो आज हम जा रहे हैं पॉटरी करने जो कि हमारा कब से मन था यार. एंड फाइनली वी मेड द डिसीजन. एंड मेरा आईब्रो प्रोडक्ट. ओह या या. यस. थैंक गॉड. उप्स, साक्षी को मैंने बोल दिया. यस. थैंक गॉड फॉर गर्ल्स. मेरे आईब्रोस को बड़ी लाइट ब्राउन है. आई डोंट नो, पता नहीं. अच्छा, तेरे पास वो कंघी नहीं है क्या? अरे तो क्या जरूरत है, तू ऐसे ही कर ले. पेंसिल बोला, अगर आप मुझे ब्रश भी बोलती तो मैं टीना वाला लेके आती. वाओ पायल, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है ना. यस, नहीं है जरूरत, वो बस तुझे लग रहा है. कोई नहीं यार, थोड़ा मन की शांति के लिए भी कुछ कर ले. यस यस, वो बहुत जरूरी है. ये करना मैं कब बंद करूंगी? क्या यू स्टार्ट डूइंग दिस? यू स्टार्ट डूइंग दिस. ठीक है. So now that we all girls are here, let's roll and let's go. Main white. Oh shit. Kya? White. Oh, maine dekha nahi. Aur blue. Aur white was pastels like. Pastels type. वैसे भी पॉटरी क्लास के लिए जा रहे हैं, इसकी वाइब कैसी होनी चाहिए यार. वो हमें कुछ देंगे एप्रिन या ये गंदा. हाँ हाँ, एप्रिन देते हैं. आई होप सो. मैं भी भरोसे आई हूँ. मैं भी. सो ठीक है, मैं गूगल मैप्स लगा लेती हूँ. सो बाय गाइस, सी यू. सो मैंने मेकअप कर लिया है. नो, दिस व्लॉग इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट अस. एंड हम लोग पहुंच गए लोकेशन पर. मैंने पहले ही खा लिया, अब ये दोनों खा रहे हैं क्योंकि yes. पहले खा लेते हैं क्योंकि हम लोग पहले पहुंच गए हैं टाइम से. वी आर पंक्चुअल. हां, 2 बजे से पहले तो पहुंच ही गए हैं. क्लास भी 2 घंटे की है. सो ऑफ कोर्स 2 घंटे की क्लास है. 2.5 ढाई घंटे. हां, 2.5 घंटे पॉटरी करनी पड़ेगी. सो हम लोग पहुंच गए हैं, लंच भी कर लिया है. पायल आ रही है अपनी हील्स में ठुमकती हुई एंड बहुत एक्साइटेड है हम लोग. साक्षी भी सेम क्लोथ पहन रखे हैं. साक्षी और फंक्शनल क्लोथ. इनफैक्ट हमारा फुटवेयर भी सेम है. ऑलमोस्ट दोनों पूरी सेम लग रही हो. और लेकिन हम तीनों में एक चीज कॉमन है, वाइट पहना है हमने. पर मैं एकदम ड्रेस पहन कर आई हूँ. हाँ, पॉटरी करने के लिए. हाँ, पायल ड्रेस पहन कर आई है पॉटरी करने के लिए. मुझे बस एक डे आउट चाहिए था. ठीक है भाई, बंदी कह रही है. अच्छा, 2.5 घंटे की क्लास है, मैंने तो सोचा ही नहीं था. वाह 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 वाह, स्मार्ट एस. तो हम पहुंच गए हैं क्ले कंपनी, माय गर्ल्स. सो वी आर इनसाइड द क्ले कंपनी एंड वी आर सुपर सुपर एक्साइटेड. ये सारे पीसेस हैं जो कि आई थिंक सबने बनाए हैं यहाँ पर. ओ वाओ, ऑल ऑफ दिस लुक सो गुड. And these are the stations. Wow. I hope मैं भी ऐसा बना सकूँ.
यू विश. एंड ये एप्रन्स है, पहन लिया है हमने, अपने रिंग्स वगैरह निकाल दिए सारी. या ऑल क्लीन एंड देर आर सो मेनी स्टेशन एंड वी हैव केप्ट आवर बैग्स हियर. देन लेट्स बिगिन. सुपर डुपर एक्साइटेड. You wanna make this? I wanna make a bowl, a pasta plate, so that I can use it. Pile is also here. Ready? Yes. Okay. मैं भी अपना apron पहन लेती हूँ. First is terracotta, is a reddish clay. Sometimes you can use that drinking and eating purpose for the kullad and diya and like full like biryani handi and matka surai something. This is all terracotta clay. तो क्या करना था? बबलिंग व्हाट? बबलिंग. दिस इज आवर फर्स्ट टाइम सो यू बेटर नॉट क्वेश्चन. ओके ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इसलिए मैंने अपने बाल बांध लिए हैं एंड वी आर गोइंग टू वर्क विद स्टोन वेयर क्ले. स्टोन वेयर क्ले. यस आई एम राइट. सो वी आर गोइंग टू वर्क विद दैट एंड ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है. तो आज हम जो भी बनाएंगे वो हमें यहीं पर छोड़ना होगा जिससे वो ड्राई हो जाए. देन आफ्टर 2 to 3 weeks वी कैन कम एंड कलेक्ट इट. अदरवाइज वी विल हैव टू लीव इट हियर. बट पर्सनली वी वांट टू कम एंड कलेक्ट इट. सो संतोष जी हैं यहाँ पर एंड वो हमें डेमो देने वाले हैं वेजिंग का. सो लेट्स सी. हमें तो कोई आइडिया नहीं है व्हाट टू डू. वाओ ही इज सो हैंडी विथ क्ले. अमेजिंग. Yeah, exactly. You're the star. Okay. Aap mujhe pehle shape bana ke do jaise aap ye yaar. Ye cheez jahan pehle se ikattha kar lenge theek hai. Yahan pakdenge. Ye thumb ke niche wala ye palm hai. Iske niche wala ye push karega aise. ठीक है. इसको कटिंग करने के लिए जैसे ब्रेड होता है खाने वाले ब्रेड के हिसाब से कटिंग करेंगे. वायर के थंब से टाइट पकड़ेंगे, टाइट दोनों थंब से. ठीक है. यहाँ पहले एक जगह रखेंगे स्ट्रेट फुट में स्लाइड. स्ट्रेट फुट करेंगे ऐसे ही. कर दिया. ऐसे ब्रेड के हिसाब से फिर कटिंग करेंगे. स्ट्रेट नीचे तक बस. अब इसको जब हम फेंकेंगे तो ये चीज नीचे रहेगा. जब यहाँ पटकेंगे तो ये चीज नीचे रहेगा. ऐसे ऐसे हमारे एक मिनट ये वाली साइड नीचे ऐसा में इस एक ही जगह फेंकेंगे वो दूसरा हम इसी को फेंकेंगे. ठीक है. ऐसा अपने यहीं पास ऐसे हल्का से फेंकेंगे. एक सेकंड ये वाली साइड. हाँ नीचे टेबल पे नीचे ऐसे. तो हम जब दूसरा फेंकेंगे ना तो इसी को फेंकना है. बंद हो गया ये. हाँ ठीक है. फिंगर का नो प्रेस. जितनी भी लाइन है सिर्फ सेंटर में. यहाँ सेंटर यहाँ देख के हम उसको पटकेंगे धीरे से. ठीक है. देख लेते हैं किधर ज़्यादा किधर कम है. इधर कम है इधर ज़्यादा है. तो पाम से धक्का देके के बिल करेंगे बराबर करेंगे. ठीक है. सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से बनूंगा कहाँ से बनूंगा. यहाँ देखिए हम से यहाँ स्विच ऑन. स्विच ऑन कीजिए. साइड में हम क्लीन करेंगे किचन पर. तो भैया ने हमें एक्सप्लेन तो कर दिया है. अब हम करने जा रहे हैं एंड थोड़ी सी हालत टाइट हो रही है कि कैसे करेंगे बट कर लेंगे. इसी के लिए तो आए हैं. सो लेट्स बिगिन. मैंने एक बना लिया है. वी हैव टू मोर प्रैक्टिस सेशंस. एक फर्स्ट हो गया है. साक्षी का भी हो गया है. एक पायल का भी होने वाला है. भैया बस कटिंग हो गई है. अब उसको उठा के रखेंगे. वेरी गुड. वी डिड इट.
ये मैंने बनाया है और ये भी मैंने बनाया है। ये साक्षी के हैं तीनों, एंड ये तीनों पायल के हैं। सेशन वॉज अमेजिंग फॉर मी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज गर्ल्स। मैंने सबसे पहले अपने तीनों पॉट खत्म कर दिए, तो ओ प्लीज मैंने करा। गुड, इट वॉज अ ग्रेट क्लास। तो मैंने ग्लेजिंग के लिए, मतलब इसके बाद आप समझ लो कि इसके ऊपर पेंट हो जाएगा, ये समझ लो। तो जब ये ड्राई हो जाएगा एंड आफ्टर एवरीथिंग, ये वाला और ये वाला ले लिया है। इस पे मैंने बेज कलर करवाया है, इस पे मैंने पिंक कलर करवाया है। मजा आ गया, सो आई हैड सो मच फन यहाँ पर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आई वॉज ऑन अ हैप्पी डेट विद माई सेल्फ। मेरे चेहरे से ना स्माइल ही नहीं जा रही है, मुझे इतना अच्छा लगा है करके। तो मैंने उसकी ग्लेजिंग करा ली अपने दोनों पॉट्स की, एंड फिर वो एक दो हफ्ते बाद रेडी हो जाएगा। तो मैं पोर्टर से ही मंगा लूंगी एंड फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड पायल और साक्षी का एक्सपीरियंस वाज स्ट्रेसफुल, टायरिंग, मतलब ही स्ट्रेस, बट इट वॉज लाइक गुड स्ट्रेस, यू नो। मैं पूरा दिन कर सकती हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है। I'm so happy. What was your experience? Fabulous. Really? अब रियल एक्सपीरियंस बता दो। मैं बताती हूँ, पहले दूसरे मेरे बन गए फटाफट और भैया ने भी बहुत तारीफ करी। फिर जब तीसरा बना रही थी ना मैं, तो मेरे को ऐसे हुआ कि यार बन नहीं रहा था मेरा, और फिर भैया ने कुछ बोला नहीं, भैया साइड वाली लड़की के पास चले गए। तो मेरे पुराने इश्यूज निकल के आ गए कि टू इम्प्रेस टीचर्स, इट्स लाइक भैया मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गए। व्हाट अबाउट यू? ओके, पहले दो तो मेरे हाफ 50% तो शायद भैया ने ही बनाए, उसके बाद लास्ट वाला मैंने खुद बनाया विद फुल डेडिकेशन। वेरी गुड, वाओ, साक्षी लेके भी जा रही है। अगेन इन केस ये टूट जाएगा एज दे आर सेइंग, पर मुझे अपनी मॉम को दिखाना है। यस, प्रूफ जरूरी है। तो अभी हम लोग कोई कैफे देख रहे हैं जहाँ पे हम जाए, साक्षी को कुछ पीना है, हमें कुछ खाना है, एंड लेट्स सी क्या है आसपास। दिस इज सच अ गुड डे फॉर मी। हम गर्ल्स आ गई हैं बिकचल कैफे, क्योंकि यहाँ नेहरू प्लेस में बिकचल है एंड बिकचल से अच्छा खाना तो कहीं का नहीं होता। तो हम लोगों ने पेट पूजा कर लिया, हमने पास्ता खाया, हमने कॉफी पी, एंड वहाँ इतना शोर था। हाँ, पनीनी खाया सैंडविच, एंड वहाँ पे इतना शोर था कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। तो अब हम चलते हैं घर। यस, तो अब हम लोग आ गए हैं घर पे, पापा पायल, और अब हम डिनर करेंगे। डिनर में क्या बना है? दाल चावल ना। क्या बनाया पुनीता? दाल चावल और कड़ी भी है। आई विल हैव कड़ी चावल। ओके, तो आ गए हम लोग घर पे, अभी 8:30 हो रहे हैं, एंड हमने साक्षी को घर पे ड्रॉप करा, उसके बाद फिर हम खुद घर आए, एंड अभी चेंज कर लिया, मुंह धो लिया है, खूब अच्छे से चमक रहा है मेरा मुंह, एंड मेरी स्किन भी अब थोड़ी सी अच्छी हो रही है पहले से, विच मेक्स मी सो हैप्पी। तो बस अब हम खाना खाएंगे, अपना थोड़ा सा मैं टीवी देखूंगी एंड फिर सो जाऊंगी, फिर कल सुबह उठ के काम स्टार्ट करूंगी। एंड आज का दिन ना मेरे लिए अभी तक का इस साल का बेस्ट दिन था, क्योंकि जो खुशी मुझे मिली है पॉटरी करके,
आई डोंट थिंक मुझे और किसी चीज को करके मिली है कभी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था मैं सारा दिन उस क्ले में अपने हाथ डाल सकती हूँ, खेल सकती हूँ उसके साथ, एंड इतना कॉन्सेंट्रेशन से मैंने किया, इतना मुझे मजा आया, इतनी खुशी मिली, मतलब मेरे तो दांत ही ऐसे हो गए थे सारा टाइम। वाओ, हंसी आ रही है अपनी हरकतों पे। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग कभी जाकर सीखना चाहो, दिस इज इन दिल्ली, मैं नेहरू प्लेस में गई थी, एंड मैं इस जगह की लोकेशन डाल दूंगी एंड उनका इंस्टाग्राम डाल दूंगी, तो आप जाकर इन केस यू वांट टू गो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट देम, एंड मैं आपको डिटेल भी बता देती हूँ। पर पर्सन 1800 रुपीज लगे हैं हमारे, एंड बाद में जो हम लोगों का सिरेमिक करके वो कलर करके हमें देंगे उसके लिए मैंने 550 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं पर पीस। तो ये है, एंड 2.5 घंटे की क्लास थी, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया हर चीज को, एंड आप चाहो तो अपना वो जो बेसिकली बिना फायर के हुआ हुआ भी घर पे लेकर आ सकते हो, अगर आप ध्यान से कैरी करके ले जा सकते हो, क्योंकि साक्षी ने तो ले लिया था एंड उसका वो सही भी है कंडीशन में, क्योंकि ऑब्वियसली आपने बनाया है इतनी मेहनत से तो आप क्यों छोड़ोगे, तो आप वो लेकर भी आ सकते हो। एंड अगर आप 550 देकर उसको पूरा ग्लेज करवाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, तो इट्स टोटली वर्थ इट। एंड आई वुड से कि ऐसी चीजें करना लाइफ में बहुत ही अच्छा है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू अ कैफे और गोइंग फॉर अ मूवी और ड्रिंकिंग अल्कोहल और हुक्का, विच इज समथिंग आई डोंट रिकमेंड एट ऑल टू एनीबडी, क्योंकि वो तो हेल्थ खराब करने की चीज़ है, वो क्वालिटी टाइम तो छोड़ो, वो तो हेल्थ खराब करने की चीज़ है, एंड दिस वॉज क्वालिटी टाइम, आई मीन I was with people whom I love, who love me, and I was doing something that मतलब होता है ना कि आपका रोम रोम जाग उठा उसको करके, आप every cell in my body is like smiling. So आप लोग भी ऐसी चीज़ें करो जो आपको खुशी देती हैं, go play something, do skating or like whatever you guys like. एंड यही मेरी आज की सजेशन है इस व्लॉग के साथ। पता है क्या, आज ना मुझे मेरे कॉलेज डेज याद आ गए, क्योंकि साक्षी और मैंने फुटवेयर डिजाइनिंग साथ में पढ़ी है, एंड मोस्टली हमारी क्लासेस प्रैक्टिकल वाली होती थी, तो जब हम टेबल पे खड़े होकर क्ले को ऐसे रब कर रहे थे ना बार बार, तो एकदम से वो पुरानी मेमोरी मुझे हिट कर गई कि ओ माय गॉड साक्षी, those days, क्योंकि हम ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर रहे होते थे साथ में सारे फ्रेंड्स लोग, एंड साक्षी और मेरे साथ है आज भी ऐसे कुछ नया कर रहे हैं, तो इतना अच्छा लगा मुझे, प्लस मुझे वो करके इतना मजा आया। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब कुछ अच्छा करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो वो आपको एक मेमोरी बन जाती है हमेशा, एंड बहुत पॉजिटिव होता है वो, तो आपको भी मैं इनकरेज करूंगी टू डू सच थिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड नॉट जस्ट सिट अराउंड स्मोकिंग हुक्का और ड्रिंकिंग अल्कोहल, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ लाइफ इज मच मोर देन दैट, लाइफ इज वे बेटर देन दैट। सो ये मेरी दिल से आप लोगों को एडवाइस कि प्लीज डू सच अमेजिंग थिंग्स एंड बी अमेजिंग बिकॉज यू आर वर्थ इट, एंड आई होप आप लोगों को ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, बिकॉज मुझे बहुत मजा आया आज, एंड आई लव यू गाइस सो मच, बाय। इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, एंड कमेंट में बताओ कि कैसा लगा ये व्लॉग, एंड आपको क्या पसंद है ऐसा कुछ करना, तो वो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा, एंड ऐसी और क्या चीज है जो मैं कर सकती हूँ, क्या पता आपके पास कोई आइडिया हो, तो वो मुझे कॉमेंट्स में बताओ, एंड बाय।